तो गाइस स्वागत है आप सभी का ब्लॉगिंग एप्टा यूट्यूब चैनल पर। तो ये पार्ट टू है हमारे डिफरेंट वेज़ टू गेट ट्रैफिक टू योर ब्लॉग का। तो पार्ट वन मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, आप उसका भी चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हो या फिर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो उसमें मैंने अलग से 12 पॉइंट्स बता रखे हैं जो आपको ट्रैफिक मिल कैसे आप चाहिए वो मिल सकता है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा रहा था इसलिए मैंने इसका पार्ट टू बनाया है ये वाला, जिसमें मैं और 13 पॉइंट्स बताऊंगा। वो 12 पॉइंट्स तो ये 13 पॉइंट्स और है, तो टोटल मिला के 25 पॉइंट्स हो गए हैं डिफरेंट वेज टू गेट ट्रैफिक टू योर ब्लॉग। तो इसमें मैं बाकी के 13 पॉइंट शेयर करता हूँ। खैर छोड़िए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है स्टील कॉम्पिटिटर्स बैकलिंक। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है बैकलिंक्स बनाने का। तो इसे कैसे हम करेंगे, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं आपके नीच से रिलेटेड, जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स है आप उनके बैकलिंक्स चेक करो, उनके जो ब्लॉग पोस्ट है, उनके ब्लॉग है, कहाँ कहाँ पे उस पर बैकलिंक आ रहा है। तो आप क्या करोगे, अगर समझ लीजिए आपने उनने कोई आर्टिकल लिखा है हाउ टू गेट ट्रैफिक टू योर ब्लॉग, और उनकी अच्छी खासी रैंक भी कर रही है और उनका बहुत जगह से, अलग अलग जगह से बैकलिंक भी मिला है उनके उस ब्लॉग पे, आर्टिकल पे। तो सबसे पहले तो आप उसका आर्टिकल चेक करोगे कि उसने कैसा आर्टिकल लिखा है, कितना लंबा लिखा है, क्या क्या पॉइंट्स उसने कवर किए हैं, कैसे किए हैं। आप उससे एक अच्छा आर्टिकल और लेंदी आर्टिकल बनाओगे जो उससे अच्छा रहेगा। फिर आप क्या करोगे, उसको जो बैकलिंक्स है, जहाँ जहाँ से उसको बैकलिंक मिला है उसके उस आर्टिकल पर, उस साइट्स के ओनर को चेक कॉन्टैक्ट करोगे, मतलब जहाँ से उसे बैकलिंक मिला है आप उसे कॉन्टैक्ट करोगे, उसे बोलोगे कि भाई मैंने भी सेम आर्टिकल बनाया है और इससे अच्छा बनाया है, उसे डेफिनेटली चेक करो। तो जो चेक करेगा तो आपको एक ट्रैफिक था वो मिल ही जाएगा। अगर उसे वो आर्टिकल पसंद आ गया तो फिर उसका आर्टिकल हटा के वो आपके आर्टिकल का लिंक डालेगा, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, SEO के लिए आपके बैकलिंक्स भी बनेंगे और उस अगर उनका उस ब्लॉग पोस्ट को कोई पढ़ेगा तो वहाँ से आपको ट्रैफिक भी आएगा। तो काफ़ी अच्छा एक पॉइंट है ये ट्रैफिक के लिए, स्टील कॉम्पिटिटर्स बैकलिंक्स। चलते हैं पॉइंट टू पर। ओके, तो जो दूसरा पॉइंट है वो है यूज़ अट्रैक्टिव एंगेजिंग एंड शेयरेबल इमेजेस इन्फोग्राफिक्स और वीडियोज़। तो आप अपने जो ब्लॉग पोस्ट है, आर्टिकल्स है, उसमें इस टाइप के अट्रैक्टिव एंगेजिंग या शेयरेबल इमेजेस ऐड करो जो लोगों को शेयर करने में अच्छा लगे। समझ लीजिए आपने कोई पॉइंट्स लिखा है तो उसे शॉर्ट में आप सारे अपने इमेजेस में शेयर कर सकते हो, या फिर आप इन्फोग्राफिक कुछ इस तरीके से बनाओ। कैनवा, ये सब टूल्स काफ़ी सारे आपको डिज़ाइनिंग टूल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप इजीली ऐसे इन्फोग्राफिक्स बना सकते हो जो लोगों को पसंद आएगा। पाई चार्ट्स बना सकते हो, अगर आपको कोई डेटा बताना है तो पाई चार्ट्स बना दो, बार ग्राफ बना दो, तो लोगों को उसे समझने में भी आसानी रहेगी, कोई भी नॉर्मल इंसान उसे समझ पाएगा और उसे पसंद आएगा तो वो शेयर भी करेगा आपकी इमेज को। और आपके इमेज पर आप अपना कॉपीराइट डालोगे, मतलब आपके जो ब्लॉग का URL है, जैसे ब्लॉगिंग रैप्टर का bloggingraptor.com है, तो अपने इमेज के नीचे मैं bloggingraptor.com लिखूंगा, वैसे ही आप अपने ब्लॉग के नीचे अपने ब्लॉग का yourdomain.com डालोगे। तो अगर वो शेयर करेगा किसी को भी वो इमेज भी, तो अगर उस बंदे को इंटरेस्ट होगा तो आपका ब्लॉग का वो URL देखेगा, तो वहाँ से भी वो आपके वेबसाइट पर विजिट कर सकता है, वो ट्रैफिक मिल सकता है। या फिर कोई बंदा इमेज की जगह आपके आर्टिकल को भी शेयर कर सकता है, अगर उसका आर्टिकल या फिर इमेज पसंद आया हो तो। अच्छे खासे वीडियोज़ इमेजेस आपके आर्टिकल्स में ऐड करो। और अगर आपके ब्लॉग पर आर्टिकल है, अगर आपने कोई आर्टिकल लिखा है और आपको उसके रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस मिल रहा है, जैसे मान लीजिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हाउ टू गेट ट्रैफिक टू योर ब्लॉग, आप चाहो तो सेम यही पॉइंट्स को कवर कर सकते हो अपने ब्लॉग में, और उसमें यही वीडियो जो मैं अपने बनाया है ये वाला वीडियो, उसको ऐड कर सकते हो, मतलब एम्बेड कर सकते हो। उससे क्या फ़ायदा होगा, अगर किसी को पढ़ना होगा तो वो तो पढ़ लेगा, लेकिन वो अगर वीडियो व्यू करेगा तो वीडियो करीब ये 10-12 मिनट की 10-12 मिनट का वीडियो रहेगा, तो 10-12 मिनट आपके साइट पर रहेगा, तो इससे आपका बाउंस रेट भी कम होगा जो कि आपके रैंकिंग में भी काफ़ी अच्छा मदद करेगा। तो आप दूसरे के वीडियोस भी अपने ब्लॉग पे ऐड कर सकते हो, एम्बेड कर सकते हो यूट्यूब के, ताकि आपके जो पोस्ट है उसका बाउंस रेट कम हो। ठीक है, ये पॉइंट टू हो गया। चलते हैं हमारे पॉइंट थ्री पे। तो पॉइंट थ्री है वो है राइट मोर सिमिलर पोस्ट विच ऑलरेडी हैव मोस्ट व्यूज़। तो इसका मतलब ये है, आप और पोस्ट लिखो जो आपके ऑलरेडी ट्रेंडिंग पोस्ट है, मतलब समझ लीजिए आपके आपने कोई ब्लॉग पोस्ट लिखा है उसमें अच्छा खासा आपको व्यूज़ आ रहा है, मतलब लोग उस कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, उसकी डिमांड है, तो आप सेम वही पोस्ट और लिखो। अगर आपको उसके अलग पॉइंट्स पता है तो आप अलग लिखो। अब समझ लीजिए जैसे मैंने इसका पार्ट वन बनाया था, ठीक है, तो मैंने पार्ट टू भी बना दिया इसका। तो जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था एडसेंस अप्रूवल के ऊपर, जैसे यहाँ पे गूगल एडसेंस अप्रूवल के ऊपर, इसमें 1.4K व्यूज़ है, मतलब इसे लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी एक और एडसेंस के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो ऑडियंस है उसे एडसेंस अप्रूवल में दिक्कत आ रही है, और मुझे पर्सनली लोग कांटेक्ट भी कर रहे हैं कि भाई हमें अभी भी अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो मैं अभी एक डिटेल में वीडियो लाने वाला हूँ, तो उनके लिए अच्छा रहेगा जिनको एडसेंस अप्रूवल चाहिए। तो उसमें मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ कि आपको कैसे एडसेंस अप्रूवल लेना, मतलब क्या क्या एडसेंस की रिक्वायरमेंट है, आपके ब्लॉग पर क्या रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए, और कैसे आपको अपने ब्लॉग को
ऑप्टिमाइज़ करना है, कैसे उसे डिज़ाइन सेट करना है ताकि आपको एडसेंस अप्रूवल ईजिली मिल जाए, तो काफ़ी आपके काम का वीडियो रहेगा। तो वो जब वीडियो आएगा उसका आई बटन में लिंक डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, अगर वो वीडियो अभी तक आया नहीं है तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से आप जो आपके ऑलरेडी ट्रेंडिंग पोस्ट है या वीडियोज़ है उसको उसके सिमिलर आप और कंटेंट बनाओ, क्योंकि लोग ऑलरेडी उसमें एंगेज है, उनको पसंद आ रहा है, तो वो वापस से आपके दूसरे भी पोस्ट या वीडियोज़ को देखेंगे। ओके, तो हमारा जो पॉइंट फोर है वो है एक्सचेंज बैकलिंक्स विथ सेम नीश और सेम लेवल कॉम्पिटिटर्स। और ये भी काफ़ी लोग, ये चीज़ भी काफ़ी लोग करते नहीं। अगर समझ लीजिए आपका एक ब्लॉग है ब्लॉगिंग से रिलेटेड या एसईओ से रिलेटेड, तो आप उसके रिलेटेड जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जिन जो आपके लेवल के हैं या फिर आपसे थोड़े ऊपर या थोड़ा नीचे, तो आप उनसे बातें कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। आप दोनों एक दूसरे के लिए डू फॉलो बैकलिंक्स अपने साइट पर एक्सचेंज कर सकते हो, उसका भी फ़ायदा रहेगा, आपका भी फ़ायदा रहेगा। तो एक तरीके से वो 90% तो मानना चाहिए उसे, नहीं मानता तो फिर वो बुद्धू है, क्योंकि उसे भी बैकलिंक मिल रहा है ना भाई, उसका भी ग्रो होगा, आपका भी ग्रो होगा, दोनों का फ़ायदा रहेगा। ठीक है, तो आप अपने जो सेम लेवल के नीश, सेम नीश के और सेम लेवल के कॉम्पिटिटर्स हैं उनको कॉन्टैक्ट करो, उनको बोलो कि भाई चलो बैकलिंक्स एक्सचेंज करते हैं, उसको पता होगा बैकलिंक एक्सचेंज करना क्या होता है, तो वो करेगा ही आपके साथ में। तो उसके तरीके से, तो उस वजह से आपको एक आपको ब्लॉग पे बैकलिंक भी मिल जाएगा, उससे भी आपके ट्रैफिक में इंक्रीजमेंट होगी। तो ये चलते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट पे, जो है बी एक्टिव ऑन Q&A साइट्स एंड फॉरम साइट। Q&A मतलब क्वेश्चन एंड आंसर साइट, जैसे कोरा हो गया, याहू आंसर्स हो गया, और भी काफ़ी सारे साइट्स है। इसका मैं PDF बनाऊंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसमें मैं Q&A साइट्स भी शेयर करूंगा काफ़ी सारे, और फोरम्स भी शेयर करूंगा जहां पे आप एक्टिव रहोगे। अब इसमें फ़ायदा क्या रहता है Q&A साइट्स में, क्या है समझ लीजिए, आपके ब्लॉग से रिलेटेड अगर किसी ने क्वेश्चन शेयर किया है और आपने उसके ऊपर ऑलरेडी पोस्ट लिखा है, तो आप अपने ब्लॉग पोस्ट का लिंक उस आंसर में ऐड कर सकते हो, कि उसको पहले डिटेल में ब्रीफ में आप समझा दोगे कि भाई ये चीज़ करने से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और ये लिंक मेरे ब्लॉग का लिंक है, इसको चेकआउट करो, इसी के ऊपर आर्टिकल है, इस आर्टिकल अभी आप ये आर्टिकल आपके काम आएगा, तो वो वहाँ से आपके ब्लॉग को भी विजिट करेगा, तो वहाँ से भी आपको ट्रैफिक आएगा। फॉरम्स के फ़ायदा क्या है, फॉरम पे भी लोग क्वेश्चंस डालते रहते हैं, डिस्कशन चलते रहते हैं, वहाँ भी आप अपने ब्लॉग का लिंक डाल सकते हो, वहाँ से भी आपको एक तरीके से बैक लिंक मिल जाती है। कई जगह डू फॉलो भी मिलती है, नो फॉलो भी मिलती है, लेकिन आपको एक बैक लिंक मिल जाती है, आपके आर्टिकल में इंटरेस्टेड होगा तो वहाँ से भी आपको ट्रैफिक आएगा। तो ये था फिफ्थ पॉइंट, चलते हैं हमारे सिक्स पॉइंट पे। सिक्स है ऐड डायरेक्ट सोशल शेयरिंग बटन्स। अब जैसे ब्लॉगिंग रैप्टर पे आप देखो या कोई भी बड़े ब्लॉग पे आप देखोगे, उसमें डायरेक्ट शेयरिंग बटन्स रहता है, मतलब बहुत लोगों को क्या करते हैं, अपने लिंक कॉपी करेंगे अपने ब्राउज़र से, वो नहीं करते हैं, उनको नीचे बटन दिखता है फेसबुक जैसे, ब्लॉगिंग रैप्टर का भी मैं आपको दिखा दूँ, जैसे इस तरीके से ये बटन्स होते हैं डायरेक्ट शेयर के, फेसबुक के, ट्विटर के, व्हाट्सएप के, रेडिट के, पिंटरेस्ट के, फिर ये VK का और ईमेल का। तो यहाँ से अगर किसी को आर्टिकल पसंद आया तो डायरेक्ट वहीं पर क्लिक करके अपने अकाउंट में शेयर कर देगा। काफ़ी लोग ऐसा नहीं करते कि यहाँ से अपना लिंक कॉपी करेंगे फिर वहाँ पर जाकर पेस्ट करेंगे या फिर किसी को शेयर करेंगे, लोग डायरेक्ट यहीं से शेयर करेंगे तो ज़्यादा आपके शेयर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपने ब्लॉग पोस्ट में ये डायरेक्ट शेयर का बटन ऐड करो, काफ़ी सारे टेम्पलेट्स में ऑलरेडी आते हैं, नहीं आते तो आप यूट्यूब पर सर्च करो कि हम अपने ब्लॉगर पर या फिर वर्डप्रेस पर सोशल शेयरिंग बटन्स कैसे ऐड करें, आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। सेवन्थ पॉइंट है एंगेज विथ योर ऑडियंस एंड फेलो ब्लॉगर्स डायरेक्टली। ये है काफ़ी अच्छा पॉइंट है, मतलब आपकी जो ऑडियंस है आप उनके साथ एंगेज रहो, उनके डाउट सॉल्व करो। अब जैसे ब्लॉगिंग रैप्टर का चैनल है, काफ़ी लोग मुझे पर्सनली कांटेक्ट करते हैं, मैं ट्राई करता हूँ सबका रिप्लाई करने का, और मैं 100% सबका रिप्लाई कर भी देता हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, जो जिनको मैं रिप्लाई करता हूँ और वो वीडियो देख रहे हैं उनको मालूम है। तो इससे फ़ायदा क्या रहता है, आपके साथ वो एंगेज रहती है, मतलब आपको, मतलब आपके ऊपर उनको ट्रस्ट हो जाता है कि ये आदमी सही है, ट्रस्टफुल है, सही चीज़ शेयर करता है, तो मैं कुछ नया पोस्ट शेयर करूँगा या वीडियो शेयर करूँगा अपने ब्लॉग पे या फिर यूट्यूब पे, तो उनका लिंक, उसका लिंक मैं उनको शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे ब्लॉग में और मेरे आर्टिकल में इंटरेस्टेड है, तो वो डेफिनेटली उसे चेक करेंगे, वहाँ से भी आपको ट्रैफिक मिल सकता है। और जो आपके निश के रिलेटेड ब्लॉगर्स हैं, समझ लीजिए मेरे जैसे ब्लॉगिंग के रिलेटेड में वीडियोज़ डालता रहता हूँ, तो सिंपल सी बात है, सब ब्लॉगर्स ही मेरे कॉन्टैक्ट में, मतलब मेरे ऑडियंस जो है वो ब्लॉगर्स ही है, तो उनको भी कोई डाउट होगा वो मेरे से पूछेंगे, तो उनको भी मैं अपने ब्लॉग को शेयर कर सकता हूँ, अपने आर्टिकल्स या वीडियोस को मैं शेयर कर सकता हूँ, तो वहाँ से भी मुझे ट्रैफिक मिलेगा, अपने वीडियोस पे व्यूज़ मिलेंगे, ब्लॉग पे मुझे ट्रैफिक मिलेगा, सिंपल सी बात है। और इससे एक फ़ायदा और क्या होता है कि समझ लीजिए अगर आपको कभी कॉन्टेंट नहीं मिल रहा कि मैं नया कॉन्टेंट किस पर लिखूँ, तो आप अपने ऑडियंस से ही पूछ सकते हो कि भाई आपको क्या डाउट आ रहा है, जो मैं खुद करता हूँ, मेरे कुछ ऑडियंस है मैं जिनसे सबसे बात करता हूँ मैं, तो मैं उनसे पूछता रहता हूँ, अगर वो डाउट मुझे लगता है कि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ तो मैं उस पर वीडियो बनाता ही हूँ। अभी मैंने जैसे चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो डाले हुए हैं, मैं अपने जो ऑडियंस है उनसे पूछ पूछ के डालता रहता हूँ, और बाकी जो खुद से मुझे मालूम है वो अपने डालता रहता हूँ मैं नीड के अकॉर्डिंगली। तो अपने ऑडियंस के साथ एंगेज रहो, काफ़ी
काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा ट्रैफिक के लिए। तो अगला जो पॉइंट है वो है रन कॉन्टेस्ट, शेयर फ्रीबीज एंड गिव अवेज इफ़ यू कैन। तो अगर आप कोई कॉन्टेस्ट रन कर सकते हो या फिर फ्री में कुछ चीज़ बांट सकते हो या गिव अवे कर सकते हो तो आप करो। फ्री की चीज़ें लोग देख के काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, दबा के शेयर करते हैं, दबा के विजिटर्स आएंगे आपके साइट्स पे या फिर आपके वीडियोस पर। आप यूट्यूब चैनल पे भी काफ़ी सारे वीडियोस देखते होंगे, जैसे टेक टेक के चैनल्स होते हैं, वो अपने वीडियो को मतलब कोई भी एक गैजेट को अनबॉक्स करते हैं तो उनका रिव्यू करते हैं, फिर उनको गिव अवे में करते हैं ताकि लोग उनके वीडियोज़ पर ज़्यादा अट्रैक्ट हो और शेयर हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बी ऑथेंटिक एंड ट्रस्टेबल। आप ये काफ़ी एक अच्छा पॉइंट है, अब इससे आपका ट्रैफिक, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ट्रैफिक बढ़ ही जाएगा, इससे आपके एक ब्रांड बनेगी जो कि एक अथॉरिटी आपको देगी, ट्रस्टेबल रहेगी आपकी, लोग को लगेगा कि हाँ भाई जैसे ब्लॉगिंग रैप्टर है, आप वीडियोस देख रहे हो, अभी चैनल इतना बड़ा ग्रो हुआ नहीं है और मुझे मालूम है एक टाइम आएगा जब चैनल ग्रो होगा तो एक तरीके से मेरी अथॉरिटी रहेगी, एक ट्रस्टेबल रहूँगा मैं कि हाँ ब्लॉगिंग रैप्टर पर जो वीडियोज़ डाल रहा है श्रेय, उसकी एक वो सही वीडियोस डाल रहा है, हमारे काम की है। तो अगर मैं कोई नया वीडियो भी डालूंगा तो लोग उसे भी चेक करेंगे, तो उस तरीके से मुझे ट्रैफिक मिलेगा। इस ये चीज़ करने से आपको ट्रैफिक ऐसा नहीं कि इंस्टेंट मिल जाएगा, ये आपके लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रहेगा, आपकी अथॉरिटी रहेगी, ट्रस्ट रहेगा, तो लोग आपको पसंद करेंगे, आपके वीडियोज़ भी देखेंगे। अगर मैं कोई चीज़ फ्यूचर में प्रमोट भी करूँगा, अगर मान लीजिए मैं कोई होस्टिंग प्रमोट करता हूँ तो लोग को मेरे पर ट्रस्ट रहेगा कि हाँ भाई ये सही चीज़ प्रमोट कर रहा है, तो एक तरीके से वो उस चीज़ को बाय भी करेंगे, तो ये आपके लॉन्ग टर्म में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और इससे आपका एक तरीके से अथॉरिटीज़ तो बढ़ेगी और आप कुछ नया चीज़ अपलोड करोगे तो लोग उसे देखेंगे ज़रूर। ओके, आप चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जो है क्रिएट योर ओन फोरम। तो जैसे मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया था, दूसरों के फोरम ज्वाइन कर सकते हो, फिर को Q&A सेट कर सकते हो, आप खुद का भी फॉरम बना सकते हो। अगर आप ब्लॉगर पे वर्क करते हो तो खुद का फॉरम बनाने में आपको दिक्कत आएगी, तो उसके बदले में आप अपना खुद का टेलीग्राम चैनल बना सकते हो डिस्कशन के लिए वो सब। बाकी अगर आप वर्डप्रेस ऐसे पे वर्क करते हो तो आप खुद का एक फॉरम बना सकते हो जहाँ पे लोग आएंगे। ये चीज़ मैं भी फ्यूचर में करूँगा, मैं भी ब्लॉगिंग रैप्टर का एक फॉरम बनाऊँगा जहाँ पे आप आओगे, अपने डाउट्स पूछोगे, मैं शेयर करूँगा या फिर जिसको उसका आंसर पता होगा वो शेयर करेगा, तो आप भी अपना वहाँ पर चीज़ें शेयर कर सकते हो, मतलब अपने ब्लॉग के आर्टिकल शेयर कर सकते हो। समझ लीजिए किसी ने वहाँ पर लिखा कि भाई मुझे एडसेंस अप्रूवल चाहिए, कैसे मिलेगा, हो सकता है मैं उसका रिप्लाई ना कर पाऊँ या फिर मैं कर भी दूँ, तो आप उसी के नीचे में अपना आंसर डाल सकते हो, अपने ब्लॉग का आर्टिकल का लिंक डाल सकते हो कि भाई देखो मुझे कैसे अप्रूवल मिला, मैं कैसे अप्रूवल लेता हूँ वगैरह वगैरह, अपने आर्टिकल को उसमें प्रमोट कर सकते हो। तो आप खुद का फॉरम बनाओगे तो आपको एक तरीके से आपके फॉरम पे अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा, वहीं पर आप अपने आर्टिकल्स को प्रमोट कर सकते हो, अपने ब्लॉग को प्रमोट कर सकते हो। ये हो गया 10th पॉइंट, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट है ये थोड़ा पेड हो जाएगा एक तरीके से, अगर आपके पास पैसा है आप थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो, तो गूगल एड्स, FB एड्स, इंस्टाग्राम, बिंग या फिर और जितने भी बेटर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, आप अपने ब्लॉग को उसके थ्रू प्रमोट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि अगर मेरे वेबसाइट पर 100 ट्रैफिक भी आ रहा है तो उससे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, तो आप इजीली ये सब यूज़ कर सकते हो, फ्री ये सब एड्स रन करके अपने ब्लॉग पर भी ट्रैफिक ला सकते हो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला जो पॉइंट है वो है ज्वाइन अदर्स टेलीग्राम ग्रुप्स एंड चैनल। अब जैसे मेरा ब्लॉगिंग के रिलेटेड है तो मैं अपने, जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करोगे काफ़ी सारे आपको ब्लॉगिंग के रिलेटेड चैनल्स मिल जाएंगे, तो उन सबका एक अच्छा कम्युनिटी है, अच्छी एक ग्रुप्स है, टेलीग्राम चैनल्स है, फेसबुक ग्रुप्स है, आप वहाँ भी ज्वाइन करो। वहाँ पर जो लोग हैं अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे तो आप उनका रिप्लाई करो। मैं खुद टेलीग्राम पर एक्टिव हूँ, वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे अलग अलग यूट्यूब चैनल के जो टेलीग्राम चैनल से या उनके जो डिस्कशन ग्रुप से मैंने ज्वाइन कर रखा है, कोई वहाँ पे डाउट पूछता है तो मैं उसे आंसर करता हूँ, तो लोग को मुझ पर ट्रस्ट होता है। अगर उनका आंसर का मेरे पास कोई आर्टिकल है या फिर मेरे को अपना कोई वीडियो डालना है तो मैं डायरेक्ट उनको पर्सनली वो वीडियो शेयर कर देता हूँ कि आपने ग्रुप में ये क्वेश्चन पूछा था तो ये चीज़ आपके हेल्प कर सकती है, तो आप उसे चेक कर सकते हो, तो वहाँ से भी आपको एक ट्रैफिक मिल सकता है फ्री में, और आप अच्छे से वहाँ पर ग्रुप में एक्टिव रहोगे तो लोग आपको पर्सनली भी पूछते रहेंगे। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है बी कंसिस्टेंट एंड डू हार्ड वर्क। तो ये कोई भी नहीं करता है और ये काफ़ी अच्छा पॉइंट आपको लगेगा एक तरीके से, क्योंकि कोई भी नया ब्लॉगर आता है, मैंने भी नया ब्लॉग स्टार्ट किया था 2017 में, मैंने सोचा था कि मैं अपने आर्टिकल्स लिखूंगा, एडसेंस अप्रूवल लूँगा, विजिटर्स आएंगे, पैसा कमाऊंगा, ये वो वगैरह वगैरह मैंने किया। पहले तो मुझे एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा था, साल निकल गए, मैंने छोड़ दिया। फिर मेरे को एक दिन फिर मैंने फिर से अप्लाई किया एडसेंस के लिए, मुझे एडसेंस अप्रूवल मिल भी गया, फिर भी मैं उस पर वर्क नहीं कर रहा था, कंसिस्टेंट नहीं था, कंसिस्टेंट नहीं था तो सिंपल सी बात है किसी भी चीज़ में आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, और आज के टाइम पर अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते हो तो सिंपल सी बात है आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा ज्ञान वाला पॉइंट हो गया मतलब ज्ञान दे दिया मैंने आपको, लेकिन ये एक तरीके से पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है ट्रैफिक का इंक्रीज़ करने के लिए आपके साइट पर। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, रेगुलर पोस्ट डालते रहोगे, शेयर करते रहोगे,
तो लोग डेफिनेटली आपके साइड पे आते रहेंगे, और हार्डवर्क करोगे तो उसका रिजल्ट तो एक ना एक दिन आपको मिलेगा ही। तो गाइज ये कुछ 13 पॉइंट्स थे, और जो बाकी के 12 पॉइंट्स थे वो तो मैंने पिछले वीडियो में कवर कर दिया था, जो पार्ट वन था उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। और ये जो है डॉक फाइल है, इसका मैं एक पीडीएफ फाइल बना दूंगा, तो आप उसको भी डाउनलोड कर लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उसे भी चेकआउट कर लेना, काफ़ी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। मतलब उसमें जो मेरी लिस्ट है वो तो आपको मिलेगा ही, और अगर ये पॉइंट आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो मैं पीडीएफ का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और मुझे मालूम है आपको ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वेज मैंने शेयर किया आपके साथ जो डेफिनेटली आपके ब्लॉग के आर्टिकल को इंक्रीज़ करने में, आपके ब्लॉग के ट्रैफिक को इंक्रीज़ करने में मदद करेगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने ब्लॉगर दोस्तों के साथ या यूट्यूबर दोस्तों के साथ, उनको भी अपने ब्लॉग पे या फिर यूट्यूब चैनल पे या वीडियोस पे ट्रैफिक चाहिए तो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। और क्या फिर मिलते अगले वीडियो में।